टी20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेता सुजीत मुंडा रांची पहुंच गए हैं। रांची एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। सुजीत के मोहल्ले वालों ने उसका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान सुजीत ने बातचीत में कहा कि सबका सहयोग मिला, इस कारण ही मैं यहां तक पहुंच पाया। अगर इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो मैं हम वनडे वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। प्रिय नेता भी सुजीत को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनमें राज्यसभा सांसद मगवामाजी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप, विभाग के पदाधिकारी, वार्ड के पार्षद भैरव सिंह मौजूद थे। बस्ती वालों ने पारंपरिक रिवाज से सुजीत का स्वागत किया है। महिलाएं लोटा पानी व लाल पार साड़ी में एयरपोर्ट पहुंची थी। सुबह से ही बस्ती वाले इंतजार कर रहे थे। सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो है वर्ल्ड कप, ये टी20 वर्ल्ड कप जीता, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे झारखंड में झारखंड के लोग जो है हमें स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट में आए, हमारे बस्ती के लोग आए, तो मुझे अति प्रसन्न हो रही है। क्रिकेट मुझे बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि हमने जो है अपने बस्ती वासियों को, साथ ही अपने स्टेट को, जो मैंने बोल के गया था कि मैं ज़रूर जो है जीत के आऊँगा, और मैं उस परिणाम तक पहुँचा और मुझे जो है सफलता मिली। आज पूरा देश पूरा खुशहाली है कि हमारे देश के प्लेयर विजय हुए। जी हाँ, कल हमने जो है राष्ट्रपति भवन गए थे, वहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई और उनसे हम लोग बहुत सारे बातें चीत किए बैठ करके, तो मुझे अच्छी लगी वो, और हमें सपोर्ट करने के लिए वो आगे आ रही हैं, नेक्स्ट टाइम भी हमारे वो सपोर्ट करेंगी, और साथ ही साथ जो है मैंने बताया था उनको कि हम जो है झारखंड से बिलोंग करता हूँ, बट वो तो हमारी इधर की है ना, ईस्ट की है, उड़ीसा की मतलब है वो, तो मैंने उनको सारा कुछ बताया कि हम झारखंड से ही हैं, तो उड़ीसा से भी लोग गए हुए थे हमारे एक प्लेयर, तो हम लोगों से अच्छी खासी बातचीत हुई मैम से, और वो भी बहुत खुश थी कि हमारे दिव्यांग प्लेयर जो है टी20 वर्ल्ड कप जीती, तो बहुत खुश थे वो। ये तो है सर, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, कोई भी चीज़ों में हमारे स्टेट से ऐसे ऐसे प्लेयर निकल रहे हैं कि वो जा करके विदेशों में, देश में नाम रोशन कर रहे हैं अपने स्टेटों का। सर, मैंने राज्य सरकार से भी जब जाने के टाइम भी मैं उनसे मुलाकात किए थे, और जो मुझे आश्वासन मिली थी, मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो आदरणीय CM सर है वो जरूर करेंगे। जी, सबसे पहले मैं बधाई देती हूँ और शुभकामनाएँ, और हम बहुत खुश हैं और इंतजार कर रही थी मैं कि कब आएंगे। दोनों खुश हैं। खुश हैं घर। अब देखिए हमारी सरकार जो करेंगे, मेरे हस्बैंड देश के लिए किए, अपने राज्य के लिए किए, तो अब हमारी सरकार से चाहिए कि वो हमारी मदद करे और हमारे जो जरूरत है उनको पूरा करे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।